सन। कैसे हो फादर? इंसानियत इंसानों के लिए है, लेकिन जब मुकाबला शैतान से हो तब क्या करोगे? किससे लड़ोगे मिस्टर केडी पाठक? इस केस में फादर वाज की सजा एक मिसाल कायम करेगी। सूजन का इलाज अगर फादर वाज ने बंद नहीं करवाया होता तो आज वो चुलबुली लड़की जिंदा होती। माय लॉर्ड, अदालत भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता। अगर आपने अपना बयान नहीं बदला तो कभी इस केस से रिहा नहीं होंगे। जो खौफनाक सच मैंने देखा है वो अदालत तो क्या तुम भी कभी नहीं यकीन करोगे। अंततः सुजान के पुरखों ने ऐसा क्या किया था, किसके साथ किया था? वो लौट आया है अपना बदला लेने, माइकल क्रेस्टो। क्रेस्टो का बदला ये उसका इंतकाम है, क्योंकि कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ उसी के इशारे है। अदालत में क्या कहना है? कल अदालत में मुझे क्या कहना है मैंने सोच लिया है। केस के चक्कर में दो रात से सोया नहीं हूं, शायद वहम हो गया है मुझे। कब तक अनहोनी में होने ढूंढते रहोगे केडी? तुम कब समझोगे कि खेल किसी इंसान का नहीं शैतान का खेल है? अदालत में क्या कहना है? कल अदालत में मुझे क्या कहना है मैंने सोच लिया है। तो फिर आप ही बताइए मिस्टर जमशेद जीजी बॉय, के सूजन के हाथों पर ये निशान क्या उसने खुद बनाए? तो क्या किसी शैतान ने बनाया है सर? मिस्टर जीजी बॉय, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। योर ऑनर, मुझे इस केस में और बहस नहीं चाहिए, मैं मेरा जुर्म कबूल करता हूं। साइलेंस इन द कोर्ट। फादर वाज, ये क्या कह रहे हैं? मुझे भ्रम था कि सुजन पर किसी शैतान का साया था, लेकिन मैं गलत था। डॉक्टर द्विवेदी सच कह रहे हैं, सुजन की हालत उसकी मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी की वजह से थी, मेरी वजह से थी। उसने अपना इलाज बंद कर दिया, अगर वो इलाज बंद नहीं करती तो आज वो जिंदा होती। उसकी मौत की वजह मैं हूं, मैं उसका कातिल हूं। योर ऑनर, ओ लॉर्ड, आई हैव किल्ड हर, फॉरगिव मी, आई हैव सिंड। चलिए फादर वाज, देर से ही सही, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। देखिए, हम ये कभी नहीं कह रहे थे कि आपने जानबूझकर सूजन को उस अंजाम तक पहुंचाया। हम आपके पोजीशन और आपके जज्बातों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही, गलती तो आपसे हुई है ना, जिसके लिए आपको सजा मिलेगी और इसी दुनिया में मिलेगी। ओवर टू यू केडी साहब। फादर वाज के इकबाल जुर्म के बाद डिफेंस के पास कुछ कहने को रहा नहीं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सूजन डीसा के मौत के लिए एक हद तक फादर वाज जिम्मेदार थे। सूजन पर उनका गहरा प्रभाव था और इसी प्रभाव की वजह से सूजन की हालत और बिगड़ी। लिहाजा यह अदालत सूजन को गुमराह करने के इल्जाम में फादर वाज को 2 साल कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी साहब, वेल ट्राइड, सच के सामने कोई नहीं जीत सकता,
आप ही का कहना है ना? सच के सामने। राइट मिस्टर जीजी भाई। आपकी अगर परमिशन हो तो क्या इसे मैं मेरे पास रख सकता हूं? थैंक यू। क्यों ऐसा किया आपने फादर? क्योंकि मैं इस शैतान को फिर से किसी मासूम की जान लेते हुए नहीं देख सकता। अगर ये केस आगे चलता ना तो सुजन की तरह वो तुम्हारी जान भी ले लेता। और इसे तुम अपनी हार मत समझो, ये हार मेरी है। उस शैतान ने मुझे दूसरी बार हराया है और उसकी ये सजा तुम्हारी अदालत नहीं, ऊपर वाला मुझे दे रहा है। मे गॉड बी ऑलवेज विथ यू। माफ कीजिए सर, पर शुरू से ये केस मुझे डाउटफुल लग रहा था। सुजन के साथ जो हुआ वो हमने नहीं देखा, और फिर सोचता हूँ कि जो आपके साथ हुआ वो, और केस खत्म होते ही ना कोई अलार्म बजा, ना मक्खिया, और ना ही कोई शैतानी साइंस। शैतानी साइंस? कम ऑन वरुण, घर में मक्खियां आने के अनेक कारण होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ उस रात जो हुआ रेस्टो का बदला। ये उसका इंतकाम है, रिवेंज। उसके पीछे किसी इंसान का ही हाथ है। किसका सर? और यहां कौन आया था? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस रात जो हुआ उसके पीछे एग्नेस का हाथ है, क्योंकि एग्नेस ही सुजन के साथ रहा करती थी। नहीं एग्नेस, मुझे नहीं पीना ये सूप। वैसे भी डॉक्टर पिंटो के इंजेक्शन की वजह से मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। वो सब मत सोच, कुछ खाएगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? ले मेरे हाथ से थोड़ा पी ले बेटा। नहीं, पी ले मेरी बच्ची, पी ले। That's like my good girl, शाबाश। थोड़ा और। बस बस एग्नेस, बहुत कड़वा है, इसका टेस्ट बहुत अजीब है। वो शायद दवा की वजह से तुम्हारा मुंह का स्वाद बदल गया है, इसलिए थोड़ा और ले ले बेटा। प्लीज एग्नेस। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आराम से पी लेना। और कुछ चाहिए तो मुझे या अपनी मम्मा को आवाज देना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जाओ ग्रेसी, इस घर को बेच दो। ये घर मनहूस है, इस पर क्रिस्टो का साया है। यही तो सिर्फ एक घर है हमारे लिए, हम कहाँ जाएंगे? और क्या गारंटी है कि अगर वहां जाने के बाद भी ऐसा सब कुछ होते रहा तो फिर मरो इधर। सुजन को खोने के बाद भी तुम्हारी अकल पे ताला लगा है। Thank you.
कौन? तुम? वो एग्नेस की छतरी है ना? आई थिंक सो सर, शायद उस दिन यही भूल गई थी। तू एक काम कर, उसे लौटाने के बहाने एग्नेस से मिल, शायद कोई जानकारी मिल जाए। घर पे कोई है? मिसेस डीसा, घर पे कोई है? तुम? जी, मेरा नाम वरुण है। एक्चुअली एग्नेस हमारे ऑफिस आई थी केडी सर से मिलने। क्या? वो अपनी छतरी भूल गई थी, वही देने आया। एग्नेस केडी को मिलने क्यों आई थी? माइकल क्रास्टो की कहानी बताने। एग्नेस घर पे नहीं है? वो तो यहीं कहीं होगी। और दरवाजा भी खुला है। इतनी रात को एग्नेस कहाँ चली गई होगी? एग्नेस, एग्नेस, एग्नेस! हाँ मिसेस डीसा, ये छतरी आप एग्नेस को दे दीजिएगा, मैं चलता हूँ। ये तो एग्नेस की आवाज लग रही है। एग्नेस, 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 एग्नेस। अगली बारी जवान की। हेलो केडी सर। व्हाट? एग्नेस की मौत हो गई? जी फादर, और अब जोआन की मानसिकता पर भी वही प्रभाव पड़ रहा है जो सुजैन पर पड़ा था। देखिए फादर, मैं जानता हूं कि सुजैन की मृत्यु का आरोप आपने सर सिर्फ ये सोचकर लिया कि मामला यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट है कि ऐसा नहीं हुआ। इस मामले के पीछे जो भी व्यक्ति है उसका उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब कि उस घर में शैतान का कहर अभी भी चूंज रहा है। काश मैं कुछ कर सकता। आप कर सकते हैं फादर, इस केस को दोबारा खुलवाने की अनुमति देकर। देखिए फादर, इसके पीछे जो भी आदमी है, जो भी इंसान है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। तुम उस शैतान का पर्दाफाश करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम उस आत्मा के हाथ में बीड़िया पहनाओगे, उसे सजा सुनवाओगे? नहीं केड़ी, नहीं, उस आत्मा को घर से बाहर करना पड़ेगा। फादर, लेकिन मेरे यहां होते हुए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। देखो, तुम्हें फादर सिक्वेरा से मिलना पड़ेगा। वही है जो उस घर को शुद्ध कर सकते हैं, ताकि डीसा परिवार उस आत्मा से मुक्ति पा सके। ये शैतानी ताकत तुम्हारी और मेरी पहुंच से बाहर है। उसे हराने के लिए, उसे रोकने के लिए हमें कानून का नहीं, ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। मिसेस डीसा, शी इज मच बेटर नाउ, कल से बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी चेंज होएगा, कुछ भी फर्क पड़ता है तो प्लीज कॉल मी, डू नॉट वरी, कितना भी लेट होएगा कॉल करना। जी डॉक्टर, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ चलो ठीक।
मिस नेहरा, कम प्लीज कम इन सर। जॉइन आप कैसी है? शी इज ओके। आप एग्रीमेंट के पेपर ले आए? जी हाँ, फिर भी एक बार आप देख लीजिए, जैसा हमारे बीच में डिस्कस हुआ था। नहीं नहीं मिस्टर नेहरा, आप इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं, इतना भरोसा तो मुझे है आप पर। आप सिर्फ ये बताइए कि मुझे कहाँ साइन करना है। जी यहाँ एंड केडी जी, ये मेरे नेबर मिस्टर नेहरा है, इन्हीं को मैं अपना घर बेच रही हूँ। अब मैं और जॉन यहाँ रहना नहीं चाहते। केडी साहब, यही है वो शैतान केशा। सही कह रही थी आप मिस डीसा, ये किसी शैतान की ही निशानी है। आपके इस घर के सौदे में सबसे बड़ा फायदा तो इस शैतान का ही हुआ है। शक यकीन में बदल गया है फादर, ये केस शैतान का नहीं शैतानी का है, उस शैतान का जिसने अपने षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया है। नादानी मत करो केड़ी, ये काम एक इंसान का हो ही नहीं सकता। इंसान का ही काम है फादर, और यही मैं पता लगाना चाहता हूं कि वो इंसान कौन है जिसने सुजैन की जान ली और अब जोयन की जान के पीछे पड़ा है। फादर, लेकिन मैं इस मामले में आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप मुझे इस केस को दोबारा खुलवाने की अनुमति नहीं देते। प्लीज फादर, क्या आप नहीं चाहते कि सुजैन को इंसाफ मिले? तुम्हें भ्रम हो गया है केड़ी, मेरे ना करने के बावजूद तुम अपना सर इस आग में डाल रहे हो। इस अग्नि परीक्षा में तुम जल जाओगे, बिलीव मी। फादर, सोने का असली रंग तभी सामने आता है जब सोना आग से गुजरता है। हाँ, ये अग्नि परीक्षा है, और केवल मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी। प्लीज फादर, आई रिक्वेस्ट यू। सिद्धिसा, आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे वो दूसरों के सामने नहीं कह पाता। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कोई शैतान या हैवान नहीं कर रहा, कोई इंसान कर रहा है। What? ये आप कैसे कह सकते हैं? केवल कह नहीं रहा, इसी बात को अदालत में साबित भी करना चाहता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे सहायक वरुण और मुझे आज रात यहीं रुकने की अनुमति दें। ओके, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आप जॉन को समझाएं। चलने की बू, जॉन, वरुण, मेन डोर पे जा।
मैं यहां तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर। कौन है तुम? वही वही जिसने सुजैन की जान ली और राव तुम्हारी हारी। क्या चाहते हो? ये घर मेरा है। आपके बिस्तर से सर पे चोट लग गई, ये लीजिए। आपका शैतान। तुम यहां इतनी रात गए? मैं समझा कोई चोर है। भाग गया सर। थैंक्स टू मिस्टर नेहरा। डिसा यही है आपका शैतान। अभी आप इसे क्रस्टो कहिए या किसी और नाम से बुलाइए। सबसे पहले ये यंत्र किसी ने सुजैन के बिस्तर के नीचे रखा था, उसके बाद अब जोएन के बिस्तर के नीचे। यही है वो डरावनी आंखें। और ये देखिए, वो सारी डरावनी आवाजें इस स्पीकर से आती थी। सुजैन, इधर आओ मेरे पास। कौन? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे बेड के नीचे। यहाँ ये माइक्रोफोन, जहाँ से इस षड्यंत्र का रचयिता कमरे में हो रही आवाजों को सुनता था। इस वायर से किसी ने बड़ी चालाकी से इसे कनेक्ट किया था। मगर ये कैसे हो सकता है? वो मक्खियों का भिनभिनाना, वो आवाजें। आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा अदालत में। ये क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, यही है वो प्रेत आत्मा जिसके कारण सुजैन की जान गई। ये स्पीकर जिसकी आवाज सुजैन को डराया करती थी, इसके पीछे लगा हुआ ये माइक्रोफोन जिससे षड्यंत्र का रचयिता फादर वाज और सुजैन की बातों को सुना करता था, और ये इसमें लगी लाल लाल डरावनी आंखें अंधेरे में किसी के भी रोंगटे खड़े करते। और हां, वो जलने की बू तो मैं भूल ही गया। ये योर ऑनर, इसके पीछे लगा हुआ हीटिंग कॉइल जो गर्म होते ही जलने की बू देता था। ये सुजैन के बिस्तर के नीचे था? जी यार। ओ माय गॉड, लेकिन उस आत्मा ने तो सुजैन के भीतर से मुझसे बात की थी। केड़ी? वो इस कारण से फादर, क्योंकि उस समय ये यंत्र सुजैन की पलंग के नीचे नहीं, उसके सिराने के पीछे रखा हुआ था, ताकि आपको ऐसा लगे कि आवाज सुजैन के अंदर से आ रही। और वो 3 बजे आंखें खोलना? किसी ने बड़ी शातिरता से इस अलार्म क्लॉक पर 3 बजे का अलार्म लगाया था। और वो मक्खियों का आना? वो मक्खियां योर ऑनर, बहुत ही बढ़िया पैंतरा था जिसने हम सबको धोखे में रखा। लेकिन सच कहते हैं, एक छोटे से छोटा सबूत बड़े से बड़े षड्यंत्र का भांडा फोड़ सकता है, और ऐसा ही हुआ इस केस में। इस केस में सबूत थी एक चींटी। जब मैंने जवान की खिड़की पर मक्खियों के साथ एक चींटी देखी तो मुझे संदेह हुआ।
योर मक्खियां और चींटियां हमेशा मीठे की ओर आकर्षित होती है। मैंने अपने रुमाल से खिड़की पोछी और रुमाल का फोरेंसिक टेस्ट करवाया। क्या निकला उस जांच में? योर ऑनर, फोरेंसिक्स के अनुसार ये शहद और अल्कोहल का एक मिश्रण है, स्प्रे के रूप में, बिल्कुल ऐसा जिसे स्प्रे करने के बाद अल्कोहल के कारण भाप उड़ जाता है और रह जाता है सिर्फ शहद, जिसके कारण मक्खियां और चींटियां उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन केड़ी, ये सब तो तुम्हारे साथ भी हुआ था। फादर वास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योर ऑनर, ये सब मेरे साथ भी हुआ था अपने दफ्तर में। हाँ, और तुमने वहां ऐसी ऐसी चीजें देखी जो कोई एक इंसान नहीं कर सकता, और जो जो वही चीज सुजन और जॉन ने भी देखी। फादर वास, जिस प्रकार मैंने बाकी अनहोनियों को होनी साबित कर दी, उसी प्रकार आपके इस प्रश्न का भी उत्तर है। और योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर यहां आकर हमें वो व्यक्ति दे जो इस षड्यंत्र करना चाहता है। योर ऑनर, जिस लकड़ी से एग्नेस की मृत्यु हुई उस पर और सुजैन की बाजुओं पर जो शैतानी चिन्ह था, वो जादू से वहां नहीं पहुंची बल्कि एक बहुत ही बारीक स्केल्पल से की गई है। दोनों तस्वीरें आपकी मेज पर है, मैं चाहता हूं कि आप दोनों को गौर से देखें। ये एक इंसान ने किया है? किसने? योर ऑनर, ये काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो डीसा परिवार के बहुत निकट रहा हो, जिसे सुजैन और जुआन के कमरे में जाने की अनुमति रही हो। सर्वप्रथम मुझे एग्नेस पर संदेह हुआ, लेकिन एग्नेस की मृत्यु के बाद एक ही व्यक्ति मेरे मन में आता है योर ऑनर, जो ये कर सकता है। डॉक्टर पिंटो, डॉक्टर पिंटो। सर, क्या बात करते हैं आप? सर, मैं तो सुजन और जोन का लाइफ सेव करा था, मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। अगर आपको कोई इंसान पे डाउट करने का है तो प्रियल पे कीजिए। मिस्टर नेहरा ने मेरे को प्रियल का ट्रू स्टोरी बताया, असलियत। मिस्टर नेहरा, आप प्लीज इधर आके बताओ ना, आपने मेरे को क्या बताया था वो, प्लीज। जी, डॉक्टर पिंटो सही कह रहे हैं, मैंने उनसे कहा था कि ये सब सुजैन की दोस्त प्रियल कर रही है। इसका आधार क्या था? क्या है कि घाटकोपर में एक तांत्रिक रहते हैं, ढोल वाले बाबा, अक्सर लोग उनके पास जाते रहते हैं अपने दुश्मनों पर टोना टोटका करने के लिए। प्रियल उनकी बहुत बड़ी भक्त है, वो अक्सर उनके पास मिलने जाती रहती है। उसी के कहने पर ढोल वाले बाबा ने सुजैन और जॉइन पर टोना टोटका किया होगा। नहीं, करवाया होगा। मेरा प्रश्न नहीं समझे आप मिस्टर नेहरा, ये बात आपको कैसे पता? क्या आप भी जाते हैं ढोल वाले बाबा के पास? जी हाँ। जी नहीं, वो क्या है कि मेरी बहन उन्हें बहुत मानती है, पर मैं नहीं। देखिए, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? क्यों ना करें मिस्टर नेहरा। अब ये डीसा मेंशन में प्रेत का जो चक्कर हुआ है, उससे सबसे अधिक लाभ तो आप ही को हुआ, आधे दाम में खरीद रहे हैं आप डीसा मेंशन है या नहीं? जी हाँ, पर मैं कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा उनके साथ। और प्लीज देखिए, मुझे मत घसीटिए इन सब में, आप प्रियल से बात कीजिए ना। हाँ, मैं ढोल वाले तांत्रिक के पास गई थी, लेकिन सुजन की बुराई के लिए नहीं, उसकी भलाई के लिए, ताकि वो अपनी काली शक्तियों से सुजन में आई बुरी आत्मा से लड़ सके। पता नहीं मिस्टर नेहरा मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं। छोड़िए सब बात, ये बताइए कि सुजन के जो मित्र थे, उनके बॉयफ्रेंड विवेक, उनके साथ कोई संबंध आपका, संबंध था आप दोनों के बीच? कुछ नहीं, दोस्त है वो मेरा। सिर्फ दोस्त? पक्का? क्योंकि आपका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि विवेक को अगर मैं यहाँ बुलाऊं वो भी कुछ और ही कहेगा। देखिए, मैं मानती हूँ
कि मैं विवेक को हमेशा से लाइक करती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पाने के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सूजन को मार दूं। और अब उसकी बहन जोआन को किस लिए? आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? वो इसलिए रियल जी कि उस रात जब डीसा मेंशन के बाहर मेरे सहायक वरुण किसी का पीछा कर रहे थे, वहां से उन्हें ये इयररिंग, ये आप ही कहें आप ही का है, क्योंकि इस केस की पिछली सुनवाई में आप ही ने पहना था, आप ही का है ना? हाँ, पर ये तो मैंने जोआन को दिए थे, उसे हमेशा से पसंद थे, किसी ने उसके कमरे से चुरा लिए होंगे। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, जबकि आपको तो विवेक के क्या विवेक विवेक क्या नहीं विवेक क्या प्रिया जी विवेक क्या कुछ नहीं। देखिए, आप इस प्रकार बात छिपाएंगी तो और संकट में पड़ जाएंगी। विवेक क्या, बताइए, खुल के बताइए। वो विवेक ने कहा था कि जिस दिन, जिस रात एग्नेस की मौत हुई, उस रात आखिरी बार एग्नेस को मिलने वही गया था। कौन? हेलो एग्नेस। तुम? हाँ, मैं उस रात वहां गया था, पर मैं यहीं से निकल रहा था तो मैंने सोचा जॉन की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा मिलते चल। Nice of you, my son. पर अभी वो सो रही है, तुम चाहो तो। No, no, it's okay. मैं कल आ जाऊंगा। के बात छिपा कर क्यों रखी, किसको बताई क्यों नहीं? मैं डर गया था सर, मुझे लगा एग्नेस को किसी आत्मा ने मारा है, और अगर मैं उस आत्मा का नाम लूंगा तो शायद वो मुझे भी मार देगी। एक बात बताइए, जब आप वहां गए तो वहां आपने ऐसी कोई आत्मा देखी थी या किसी और को देखा था? नहीं सर, मेरे आने से पहले ही एग्नेस मर चुकी थी। कह रही थी माका जाहिदे, माका जाहिदे कोंकणी होता है, वैगनेस के अलावा उनके अतिरिक्त कोंकणी कौन बोलता है? मिसेस ग्रेसी डीसा। जी नहीं, मेरी कोंकणी इतनी अच्छी नहीं है, मगर हाँ, एग्नेस अक्सर डॉक्टर पिंटो के साथ कोंकणी में ही बात करती थी, क्योंकि वो दोनों गोवा के रहने वाले थे। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिसेस डीसा, मिसेस डीसा क्या हो गया आपको अचानक? मिसेस डीसा, हो गया अचानक आपको? अचानक सबके चेहरों में मुझे शैतान दिखाई दे रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं कहीं वो शैतान मुझ में तो नहीं? मिसेस डीसा, मिसेस डीसा,
हिस्सा। अदालत में शैतान आत्मा प्रेत कैसे आ सकती है? ये किसी दवाई का असर होगा। किसी ने आपको कोई दवा वगैरह दी थी? कल रात को मुझे बुखार सा था, इसलिए आज सुबह डॉक्टर पिंटो ने मुझे इंजेक्शन दिया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर पिंटो को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? डॉक्टर पिंटो, आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोबारा आपको इस कटघरे में क्यों बुलाया। पर क्या है ना, आप डिसा फैमिली के फैमिली डॉक्टर हैं। हाँ सर। तो अभी अचानक जो ग्रेसी जी के साथ हुआ, तो आपने आज सवेरे ही उन्हें एक इंजेक्शन दिया था, पैरासिटामोल। उनको फीवर था ना कल रात को। पैरासिटामोल? तो ऐसा तो नहीं कि उस इंजेक्शन में कोई ऐसी दवा नशे की मानसिक शांति के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। और जोआन को जो आपने इंजेक्शन दिया था, क्या उसमें कोई ऐसा? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। तो फिर तो स्पष्ट है कि सुजन को जो आप इंजेक्शन दिया करते थे, उसमें भी कोई हेलुसिनेटिक ड्रग यानी कि मानसिक स्थिति को भंग करने वाला कोई पदार्थ ऐसा कुछ नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। फैमिली डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। तो डॉक्टर पिंटो, अब ऐसा है कि आप मेरे फैमिली डॉक्टर तो है नहीं। हाँ। इसीलिए पूरी संभावना है कि जो इंजेक्शन आपने मुझे दिया था, उस इंजेक्शन में कोई ऐसी दवा नशीली आपने मिलाई थी जिसके कारण मैं वो बिल्कुल नहीं। व्हाट? मैंने आपको कब इंजेक्शन दिया? बोल रहे हैं आप, आपने मुझे इंजेक्शन दिया था ना जब आप मेरे दफ्तर आए थे। क्या, मैं आपका ऑफिस में कभी आया? अरे कमाल करते हैं आप, मेरे ऑफिस आए थे, आपने मुझे इंजेक्शन दिया, मेरे ऑफिस में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा आपने तोड़ा। What nonsense is this? मैं तुम्हारे ऑफिस में कभी नहीं आया, मैं तुम्हारा कोई कैमरा नहीं तोड़ा। प्लीज डोंट इंप्लिकेट मी, मैं कुछ नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर पिंटो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो बेहोश था। मेरे ऑफिस में लगा सीसीटीवी कैमरा जो आपने तोड़ा, उस कैमरा का फुटेज जो मेरे सहायक वरुण इस डीवीडी पर अभी अभी कैद करके लाए हैं, ये फुटेज कह रही है कि आप उस रात मेरे ऑफिस आए थे और आपने मुझे नशे भरा इंजेक्शन दिया। सर, सर ये दिस इज रॉन्ग सर, मैं कभी नहीं गया सर इनके ऑफिस में सर। नहीं, एक एक मिनट, क्या आप इसे इस डीवीडी को झुटला रहे हैं? योर ऑनर, मैं इस डीवीडी को बतौर सबूत अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। सर मैं नहीं हूँ उस सीढ़ी में सर। नहीं, आप नहीं हैं तो फिर डरने की क्या बात है डॉक्टर पिंटो, मैं चला दे। लेकिन सर टाइम वेस्ट क्यों करने का? मैं सत्य तक पहुंचने के लिए जितना समय लगे उतना तो देना ही। सर लेकिन मैं आपका ऑफिस गया नहीं। अगर आप मेरे ऑफिस नहीं गए तो मैं अदालत में झूठा साबित हो जाऊंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको किस बात का डर? मुझे सीढ़ी चलाने दीजिए। मतलब आप मेरे ऑफिस गए थे? आपने मुझे नशे की इंजेक्शन दी थी? दिया था। सुजन को आपने मारा है? जोन को भी आपने मारने की कोशिश की? साइलेंस इन द कोर्ट। लेकिन मेरे ऑफिस का कैमरा आपने नहीं तोड़ा। तोड़ ही नहीं सकते क्यों, मेरे ऑफिस में कैमरा लगाए ही नहीं। ये मेरे गाड़ी से किशोर कुमार के पुराने गानों की सीडी मेरे सहायक वरुण लेके आए हैं, आपके लिए भेंट के रूप में जेल में सुनिएगा। इकबाल जून प्लीज। माइकल कैस्ट्रो मेरा नाना था, लेकिन मेरा मामा को पीने का आदत था, इसको घर लिख के दे दिया। लीगल तरीके से मेरे को मेरा हक नहीं मिलता था, इसके लिए मैंने यह अप्रोच लिया। एक दिन सुजन बीमार था, हमारे पास आया तो एंटीबायोटिक्स के साथ में हमने उसको इथाइल पेंटासलिसिलेट का एक डेरिवेटिव दिया। उस ड्रग से उसको हेलुसिनेशंस होता है, ये ड्रग सीधा माइंड पे असर करता है।
और उसके बाद कैस्ट्रो का आत्मा का गेम शुरू किया। मैंने सोचा ये लोग डर के घर छोड़ के चला जाएगा या मेरे को सस्ते में बेच के जाएगा, लेकिन गलती से सुजन का डेथ हो गया। गलती से? हाँ, सुजन बहुत फ्रेल था, फिजिकली वीक, कमजोर बॉडी था, ओवर डोज हो गया और डाइट। स्वयं ये गलती करने के बाद आपने भी औरों की तरह फादर वास पर उंगली उठाई और मैंने एग्नेस को धमकी देके भी आपके पास भेजा कि आपके चाय में नींद का गोली डाल के आपको देगा तो आप बेहोश हो जाएगा और पर मैं आके मैं मेरा काम कर सकूं। बाद एग्नेस को गिल्टी हो गया और वो इस डीसा को सब बताने वाली थी। इसके लिए मैंने एग्नेस को भी मार डाला। तरीके से दयास प्लान से बाद में फिर सबको ऐसा लगेगा कि ये डेथ भी कैस्ट्रो का ही आत्मा का। जवान को अपना शिकार बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको डॉक्टर पिंटू? सुजान का डेथ के बाद हमको लगा ये लोग घर छोड़ के चला जाएगा नहीं तो हमको सस्ते में बेच के जाएगा, लेकिन तुमने मेरा शैतानी साया का पूरा कवर फुट कर दिया। सही कहा आपने डॉक्टर पिंटो, ये पूरा केस शैतान के साये के बारे में ही था, उस शैतान का साया जो दो निर्दोष बेगुनाह लड़कियों पर पड़ा, सुजन और जॉन, आपका साया। अब इस शैतान को दूर करने की दवा तो न्यायाधीश महोदय ही सुनाएंगे। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत सुजन डीसा के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर पिंटो को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और फादर वास को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is finally closed. Mr. Jamshed Jiji Boy. Well played, sir. Kedi. Father Vaz, congratulations. Congratulations, Father Vaz. माफी चाहता हूँ। आज तुमने साबित कर दिया केडी कि ईश्वर और शैतान की लड़ाई में जीत हमेशा ईश्वर की ही होती है। ठीक उसी प्रकार फादर वाज, जिस प्रकार सत्य और झूठ की लड़ाई में विजय हमेशा सत्य की होती है, इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर ही सत्य है। एम आई